दोस्तों गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं और बहुत बार हमें गर्मियों के वजह से अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बार बार प्यास लगना, लू लगना, पेशाब में जलन होना। ऐसी अलग अलग गर्मियों से संबंधित परेशानियां हमें गर्मियों में फेस करनी पड़ती है और शायद आपको यकीन नहीं होगा, इन सारी चीज़ों का इलाज आपके किचन में छुपा हुआ है। धनिया, जी हाँ, ये जो धनिया है, धनिया के बीज जो है, ये आपके इन सारे उष्णता से संबंधित समस्याओं में आपका इलाज हो सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि इस धनिये के बीज को किस प्रकार से खाना है, कितनी डोज में खाना है और कितनी बार खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके घर के अंदर का मसाला आपकी मेडिसिन साबित हो सकता है। ये धनिये के बीज हमें 10 ग्राम की मात्रा में एक बार के लिए लेने हैं। आइए देखते हैं 10 ग्राम मतलब एग्जैक्टली कितना होता है। अगर हम इस नॉर्मल टीस्पून से चम्मच से देखने जाए तो 10 ग्राम मतलब लगभग पूरे भरे हुए 2 चम्मच होते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये डाला तो लगभग 9.5-9.5 ग्राम तक के हुआ है। हमें 10 ग्राम यहाँ पे लेना है तो ये जो मात्रा है 10 ग्राम, इतनी धनिया हमें एक साथ यूज़ करनी होती है एक डोज के लिए। ये जो 10 ग्राम हमने धनिया लिया है इसे हम कूट लेंगे, इसे बहुत पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके 2-4 टुकड़े भी हर एक बीज के कर लिए तो भी काफ़ी है। हमने इस प्रकार से धनिये को कूट लिया है, ये हमारे पास धनिये का पाउडर हो गई है, थोड़ी सी मोटी मोटी सी। अब हम इस पाउडर को इस ग्लास में डालेंगे। बहुत सारे लोग हमें ये भी सवाल पूछते हैं कि हमने ऐसे इस प्रकार से धनिया कूटने के जगह पे अगर हमारे पास जो मसाले में धनिया पाउडर है उसे यूज़ किया तो चलेगा क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि औषधि गुण तो उसमें भी है, लेकिन अगर हम बहुत फाइन पाउडर इसमें यूज़ करते हैं तो इसको पीने के वक्त जब हमें इसे छानना होता है तब आपको उसमें फाइन पाउडर के साथ थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। इसलिए सबसे बेस्ट है अगर आपके पास साबुत धनिये के बीज है, खड़ा मसाला है, तो आप उसे यूज़ कीजिए। गुणों की दृष्टि से भी और उपयोग की दृष्टि से भी वो श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने एक ग्लास में धनिये की 10 ग्राम धनिये की पाउडर इसमें डाल ली है और इसमें हमें 60 मिलीलीटर पानी डालना है। आप देख सकते हो एक जैसे छोटा चाय का कप है, इस कप भर के पानी मतलब लगभग 60 ml होता है। तो मैं इस पानी को इस ग्लास में डाल रहा हूँ और हम इसे थोड़ा सा घोल के रख लेंगे। इसके बाद इसे आपने प्लेट से नहीं ढकना है, इसे हमें 6 घंटे के लिए रख छोड़ना है ताकि इसके अंदर का जो धनिये के औषधियुक्त गुण है वो इस पानी में उतर जाए। ध्यान रखिए इसे हमें प्लेट से या फिर किसी भी एयर टाइट ढक्कन से नहीं ढकना है, इसे आप किसी जाली से या फिर किसी पतले रुमाल से, कपड़े से ढक सकते हो। तो इस प्रकार से हम किसी कपड़े से ढक के, आप चाहो तो इसे बांध दो, तो आप इसे इस प्रकार से ढक कर रख छोड़ना है 6 घंटे के लिए। 10 ग्राम धनियों को कूट के हमने इस प्रकार से इसे 60 मिली पानी में भिगोया है और कपड़े से ढक के हमने इसे 6 घंटे के लिए रख छोड़ा है। जब आप शाम को इसको भिगाओगे उसको आप दूसरे दिन सुबह पी सकते हो और जो सुबह भिगाओगे वो आप दिन में पी सकते हो। एक चाय छन्नी से हम इस भीगे हुए धनिये वाले पानी को एक बार छान लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राउन कलर का पानी जो है इसमें से निकल रहा है। ये जो औषधियुक्त घटक द्रव्य है धनिये में से वो इस पानी में उतर चुके हैं। इस औषधियुक्त घटक द्रव्यों को पानी में आने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इस प्रकार से इस धनिये का काढ़ा नहीं बनाते हैं। अगर आप इसे देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से ब्राउन पानी जो है इन धनियों के बीज में से निकला हुआ है। ये जो धनिये का पानी इस प्रकार से इस कॉन्सेंट्रेशन का आपने बनाया, ये एक बहुत अच्छी औषधि है।
गर्मियों के दिनों में जब बार बार प्यास लगती है या फिर लू लग जाती है, पेशाब में जलन होती है, उस वक्त आप सभी उम्र के बच्चों को भी या फिर बड़ों को भी बूढ़ों को भी इस प्रकार की औषधि का सेवन दिन में 3 से 4 बार करवा सकते हैं। उसके अलावा जब बुखार में शरीर की जलन होती है, शरीर में जलन होती है, आँखों में जलन होती है, बार बार प्यास लगती है, प्यास नहीं बुझती है, ऐसे जलन वाले बुखार में भी ये धनिए का पानी जो है वो आपके बहुत काम आएगा। ये भले ही आपके मसाले के अंदर की चीज़ है, लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर प्रमाण में और इस पर्टिकुलर तरीके से इसको बनाते हैं, तब ये आपका मसाला बन जाती है आपकी बहुत अच्छी औषधि।